हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ नए ट्रेंड्स आते जा रहे हैं, कुछ रीसेंट ट्रेंड्स इन टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म के अंदर वैसे तो हर चीज़ के अंदर टाइम टू टाइम रीसेंट ट्रेंड्स आते रहते हैं, कुछ नई नई चीज़ें उसके अंदर जुड़ती रहती हैं। लेकिन टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उसके अंदर पिछले कुछ सालों में काफ़ी नई चीज़ें एडअप हुई है, तो वो क्या क्या हुआ है नया, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है टूरिज्म सब्जेक्ट में, तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टूरिज्म इंडस्ट्री क्या होती है। टूरिज्म वैसे तो एक नॉर्मल सी चीज है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए, कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाहर चले जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टूरिज्म कहते हैं। जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसने टूरिज्म की एक डेफिनेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ट्रेवलिंग टू एंड स्टेइंग इन प्लेस आउटसाइड देयर यूजुअल एनवायरमेंट फॉर नॉट मोर देन वन कॉन्जिक्यूटिव ईयर ऑफ लेजर बिजनेस एंड अदर पर्पजेस। कि उनके हिसाब से टूरिज्म की डेफिनेशन क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करना और वहां रुकना एटलीस्ट फॉर वन डे और मैक्सिमम फॉर अ ईयर, कम से कम एक दिन रुके और मैक्सिमम एक साल तक रुके। किसके लिए, उसका पर्पस कोई बिजनेस हो सकता है, अपने मनोरंजन के लिए जा सकता है, या कोई भी अन्य पर्पस उसका हो सकता है। तो ये क्या होता है, टूरिज्म होता है। अब बात आती है टूरिज्म के अंदर क्या क्या रीसेंट ट्रेंड्स आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का यूज, इस प्रकार से अलग अलग रीसेंट ट्रेंड टूरिज्म के अंदर आ रहे हैं। तो एक एक करके हम इन सब ट्रेंड्स के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वर्ल्ड के अंदर काफ़ी जगह पर टेररिज्म का या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा डर लोगों के अंदर रहता है, तो उस वजह से लोग उन एरियाज़ के अंदर ट्रैवल नहीं करते या उन एरियाज़ में घूमने नहीं जाते। जैसे कि आर्टिकल 370 रिवोक होने से पहले इंडिया का जो जम्मू कश्मीर रीजन है उसमें कश्मीर वैली का जो रीजन है, उससे आगे का रीजन है, वहाँ टूरिस्ट बहुत कम जाते थे, या अभी भी कुछ एक लोग वहां जाना महफूज नहीं समझते क्योंकि टेररिज्म का उनको डर रहता है कि टेररिस्ट अटैक हो सकता है या कुछ और दिक्कतें हो सकती हैं, इस प्रकार से कि सेफ्टी उनको वहां महसूस नहीं होती है। फिर बात आती है कि लोग उन स्थानों पर घूमना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर उनको अधिक सेफ्टी महसूस होती हो, सिक्योरिटी जहाँ अच्छी हो, तो वो किस एरिया को चूज करते हैं, मैदानी इलाकों को चूज करते हैं, या जैसे इंडिया के अंदर देखें तो उत्तराखंड घूमने जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, जहाँ उनको सेफ्टी एंड प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है। ऐसी वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि वो कंट्री जो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हैं उनके अंदर लोग घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे सीरिया है जहाँ हमेशा कुछ न कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी चलती रहती है, तो वहाँ लोग घूमने नहीं जाएंगे। स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, या ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार के जो तो शांत देश हैं उनमें लोग ज़्यादा घूमना पसंद करेंगे। इसके बाद में आगे बात आती है मोबाइल टेक्नोलॉजी की। मोबाइल टेक्नोलॉजी भी एक नया ट्रेंड बनकर जो अपने टूरिज्म इंडस्ट्री इसके अंदर शामिल हुआ है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज करके किस प्रकार से हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। एयरलाइन सर्विसेज के साथ कनेक्ट हो, होटल सर्विसेज हो, या और वहाँ पर रिक्रिएशनल सर्विसेज को मोबाइल के साथ एडअप करके हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी भी एक नया ट्रेंड टूरिज्म के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके बाद में
सोशल मीडिया का यूज। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया कि 22% लोग जो है वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो उनसे क्या ध्यान में आता है उस बात से कि लोग सोशल मीडिया कितना यूज करते हैं, तो वो सोशल मीडिया पर आने वाली जो ऐड हैं उनको भी देखेंगे या और चीज़ें वो सर्च करते रहते हैं। तो सोशल मीडिया का यूज़ भी टूरिज्म को बढ़ावे के लिए हो सकता है, जैसे कि वो अलग अलग टूर कंपनी जो हैं जो टूर पैकेज लोगों को देती हैं, वो होटल सर्विसेज, एयरलाइंस, ट्रैवल सर्विसेज, कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स, ये सब क्या कर सकते हैं अपना सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ावा देते हैं और इनसे लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। तो सोशल मीडिया का भी एक जो टूरिज्म के अंदर बहुत बड़ा एक नया ट्रेंड ऐड होता जा रहा है। इसके बाद में पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। पहले लोग पब्लिक सर्विसेज या हम कह सकते हैं क्लस्टर सर्विसेज पे ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा है कि लोग पर्सनलाइज्ड सर्विसेज के ऊपर ज्यादा फोकस करके टूरिज्म या ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो जहाँ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज उनको ज्यादा मिलती हैं, जैसे पर्सनल रूम केयरिंग, स्पाज, तो इस प्रकार की सर्विसेज को लोग ज्यादा चूज करते हैं। तो ये भी एक नए ट्रेंड के तौर पर आज के समय में देखने को मिलता है। अभी आगे बात आती है ग्रोइंग नंबर ऑफ सीनियर टूरिस्ट। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो टूरिस्ट के तौर पे एक नया नंबर गेन करते जा रहे हैं कि लोग रिटायरमेंट, कुछ लोग जल्दी ले लेते हैं या रिटायरमेंट के बाद भी कपल क्या करते हैं कि घर बोर होने से अच्छा वो क्या करते हैं, घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग या कुछ इस प्रकार के धार्मिक स्थानों पर जाना पसंद करते हैं, यात्राएं, तीर्थ यात्राएं करना। तो इस प्रकार से सीनियर टूरिस्ट की जो संख्या है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये एक नया ट्रेंड हम टूरिज्म के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद में एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले इतना एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस नहीं था टूरिस्ट के अंदर, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ऐसा ध्यान में आता है कि जो टूरिस्ट हैं वो जिस एरिया में घूमने जा रहे हैं वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन को, वहाँ के वाइल्ड लाइफ को, एनवायरमेंट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। हमने बहुत बार वीडियोज़ में, फोटोज़ में देखा होगा कि टूरिस्ट ने बहुत बड़े बड़े बैग पहाड़ी इलाकों से कचरे के भर के वो नीचे लेके आते हैं कि वहाँ कुछ लोगों ने कचरा डाल दिया होगा, गारबेज, तो उसको लेके नीचे आते हैं। तो ये क्या है, एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस है एक तरह की। तो आने आने वाले टाइम में या पिछले कुछ समय से हम ये एक नया ट्रेंड टूरिज्म के अंदर देख रहे हैं। हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ की जो अवेयरनेस है, यानी कि योगा सेंटर्स के ऊपर लोगों का विजिट करना, मेडिटेशन के लिए जाना या स्पास में जाना, फिटनेस सेंटर्स में जाना, वेलनेस क्लिनिक्स में जाना, ये चीज़ें भी क्या होती जा रही हैं, धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। बहुत लोग 15-20 दिन के मेडिटेशन कैंप्स में जाते हैं, वो भी एक तरह का टूरिज्म है, वहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। योगा कैंप्स में जाते हैं, जैसे इंडिया में पतंजलि ऑर्गेनाइज करता रहता है। तो इस प्रकार का जो हेल्थ अवेयरनेस है ये भी टूरिज्म के अंदर एक नए ट्रेंड के तौर पर ऊपर उभर कर सामने आ रहा है। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ अल्टरनेटिव टूरिज्म, एक टूरिज्म अब केवल घूमने मात्र का नहीं रह गया है। हम एक जगह गए, वहाँ हमने चार लोकेशन देखी, दो मंदिर देखे, दो पहाड़ियों पर खड़े होकर फोटो लिया और टूरिज्म हो गया। अभी ऐसा टूरिज्म में थोड़ा बदलाव आता जा रहा है, जैसे कि लोग इस तरह के लोकेशंस पे जाना पसंद करते हैं या इस तरह के एक्टिविटीज वहां जाकर करना पसंद करते हैं जो थोड़ा अलग होता है। जैसे एक आप एग्जांपल देख पा रहे हो, मातूर विलेज है कर्नाटका में, वहां बहुत ज्यादा टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं,
वो क्यों कर रहे हैं कि वहां पर सब लोग संस्कृत बोलते हैं, तो ये उनके लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट है उस गांव का, तो इसलिए लोग वहां क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। फिर आता है मेडिकल टूरिज्म, लोग अपने इलाज के लिए भी बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जैसे इंडिया और इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं, यहाँ इलाज सस्ता है यूरोपियन कंट्रीज की बजाय, तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं, मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। बॉलीवुड टूरिज्म, इको स्पोर्ट टूरिज्म, इस प्रकार के कुछ अल्टरनेटिव टूरिज्म भी एडअप होते जा रहे हैं। फिर नीड ऑफ क्रिएटिव टूरिज्म, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज वो टूरिज्म के टाइम पर करें, अपने यात्रा के दौरान करें, तो इस प्रकार का भी एक नया ट्रेंड टूरिज्म में आ रहा है। जैसे टूरिस्ट आप शिमला घूमने जाएंगे या आगे मनाली जाएंगे, तो ये जो क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं ये आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे स्काई डाइविंग, हिल क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, स्कूबा डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, ये अलग अलग क्रिएटिव जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, और इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को करने के लिए लोग ज़्यादा इसमें एंजॉय करते हैं, और इसको टूरिज्म के अंदर एक नया ट्रेंड पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है। और इंडिया के अंदर भी काफ़ी ट्रेंड्स आए हैं, ये जो हमने ट्रेंड्स पढ़े ये मोस्टली ट्रेंड्स वर्ल्ड लेवल पर भी हैं और इंडिया लेवल पर भी हैं, तो 2008-09 के बाद से ही इस तरह के जो अलग अलग चेंजेस टाइम टाइम में आते जा रहे हैं। ये जैसे पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपने 15 अगस्त के भाषण में लोगों से निवेदन किया कि वो घूमने जाएं, टूरिज्म करें, जिससे क्या होगा वहाँ के लोकल कल्चर को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, लोगों में नया रोजगार पैदा होंगे, जो सरकारी नौकरी की एक दौड़ है वो कम होगी, अलग अलग प्रकार के रोजगार लोगों को मिलेंगे, तो ये सब ट्रेंड्स भी टूरिज्म के अंदर आते जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, आगे के जो इसके टूरिज्म के हम लेक्चर्स हैं वो टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर viewing this lecture. Have a good day.